नमस्कार, प्रेम चोपड़ा, जन्म 23 सितंबर 1935, हिंदी फिल्मों में एक भारतीय अभिनेता है। उन्होंने 60 से अधिक वर्षों की अवधि में 380 फिल्मों में अभिनय किया है। ज्यादातर फिल्मों में खलनायक भूमिका निभाने के बावजूद उनके पास मृदुभाषी भाषा है। रणबीर लाल और पंजाबी हिंदू परिवार रूप रानी चोपड़ा की 6 संतानों में से तीसरे चोपड़ा का परिवार भारत विभाजन के बाद शिमला चला गया, जहां उनका पालन पोषण हुआ। बॉम्बे फिल्म उद्योग में पैर जमाने की कोशिश करते हुए प्रेम चोपड़ा ने द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ नौकरी की। प्रेम चोपड़ा बंगाल, उड़ीसा और बिहार में पेपर के सर्कुलेशन का काम देखते थे और उन्हें महीने में एक दिन दौरा करना पड़ता था। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ अपने कार्यकाल के दौरान प्रेम चोपड़ा ने पंजाबी फिल्मों में काम किया, जिनमें सफानी और हिंदी फिल्में जैसे वो कौन थी, शहीद, मैं शादी करने चला और तीसरी मंजिल शामिल है। 1967 से प्रेम चोपड़ा हिंदी फिल्मों में एक प्रमुख खलनायक रहे हैं और मुख्य खलनायक के रूप में उनका चरम का 1967 से 1995 तक था। 1970 के दशक में उन्हें सुजीत कुमार और रंजीत के साथ अक्सर खलनायक के रूप में अच्छी भूमिकाएं मिली। कुछ फिल्मों में उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में अजीत मदनपुरी, प्राण, प्रेमनाथ, जीवन के खलनायक पात्रों और 1980 के दशक में सुजीत कुमार रंजीत के साथ अक्सर खलनायक के रूप में अच्छी भूमिकाएं मिली। कुछ फिल्मों में 1970 और 1980 के दशक में अजीत मदनपुरी, प्रेमनाथ, प्राण, जीवन के खलनायक पात्रों और 1980 के दशक के अंत में अमरीश पुरी और अमित कुमार की माध्यमिक खलनायक की भूमिका निभाई। फिल्म बॉबी का डायलॉग प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा बहुत लोकप्रिय रहा। प्रेम चोपड़ा का एक और संवाद फिल्म स्वतंत्र से है, मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ते हैं। प्रेम चोपड़ा 1969 से 1991 तक डोली, 1969 से घर पर 1991 तक राजेश खन्ना के साथ फिल्मों में खलनायक भूमिकाओं में नियमित थे। प्रेम और राजेश खन्ना की जोड़ी ने एक साथ 19 फिल्मों में काम किया और उनमें से 15 बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और वे खन्ना की मृत्यु तक वास्तविक जीवन में बहुत करीबी दोस्त थे। प्रेम ने एक साक्षात्कार में उद्धृत किया, राजेश खन्ना और मुझे एक भाग्यशाली जोड़ी माना जाता था और वितरक राजेश खन्ना से कहते थे कि हमें परवाह नहीं है कि आपकी नायिका कौन है, हम सब जानना चाहते हैं कि फिल्म में प्रेम चोपड़ा है या नहीं। उन्होंने फिल्म डोली 1969 के महेंद्र कपूर द्वारा गाए गए गीत आज पिला दे साथी अपनी में संवाद भी गाए। उन्होंने 1973 में आशा भोसले के साथ नफरत के गीत दो मेरा प्यार ले लो और 1988 में मेरा मुकद्दर के कब से ये दिल है प्यासा में संवाद भी बोले। प्रेम चोपड़ा ने आजाद, छुपा रुस्तम, जुगनू जैसी फिल्मों में अभिनेता और अजीत के बेटे से खलनायक की भूमिका निभाई और देश प्रदेश राम बलराम और बारूद में उनके साथ सह अभिनय किया। 80 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने आवाज, सांसा और आज अर्जुन जैसी कुछ फिल्मों में ही अमरीश पुरी के सहयोगी की भूमिका निभाई। अमरीश पुरी ने दोस्ताना, इमाम, इमाम भरम और नसीब में गुड़गे की भूमिका निभाई थी। अन्यथा 1969 से 1991 तक अधिकांश फिल्मों में प्रेम चोपड़ा खलनायक थे। वास्तव में 1969 से 1991 तक राजेश खन्ना के फिल्मों में प्रेम चोपड़ा हमेशा खलनायक थे और उन्हें आवाज को छोड़कर कभी भी गुंगे की भूमिका नहीं दी गई थी। वो उपकार 1967 से संतोष 1989 तक मनोज कुमार अभिनीत सभी फिल्मों में मुख्य खलनायक थे। 1996 के बाद प्रेम चोपड़ा बहुत कम फिल्मों में खलनायक के रूप में नजर आए। उन्होंने 1996 से सकारात्मक चरित्र भूमिकाएं दी और 2007 से अधिक सकारात्मक भूमिकाएं मिलनी शुरू हुई। 2007 के बाद फिल्मों में उनका स्क्रीन स्पेस कम हो गया। प्रसिद्ध लेखक निर्देशक लेख टंडन ने प्रेम से शादी के लिए उमा का प्रस्ताव लिया। उमा भाई बहन कृष्णनाथ कपूर, राज कपूर की पत्नी, प्रेमनाथ और राजनाथ की छोटी बहन थी। दंपति की 3 बेटियां हैं, रकीता, पुनीता और प्रेरणा चोपड़ा। थैंक यू।